हथेली पे लिए फिरते हैं, फिर दुख जाता है तो रोते फिरते हैं। तुम दोनों शायरा बन गई हो। मैम अब ये तो सिस्टम की खराबी है। खुशबू में बसे खत, मंगल शब 8 बजे। ये अंगूठी कहाँ से आई? अम्मी ये मिनाल की है, मेरे आउटफिट के साथ मैच हो रही थी तो उसने दे दी। हाँ लेकिन इस उंगली में क्यों पहनाई है उसने? ये तो मुझे बहुत महंगी लग रही है। क्या जरूरत थी उससे लेने की? उतारो इसे। अम्मी आप भी ना खाम खा परेशान हो जाती हैं। उसने मुझे इतने प्यार से दी, मैंने पहन ली, मैं वापस कर दूंगी उसको। अरे? आप भी ना पीछे ही पड़ जाती हैं। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? इतना महंगा तोहफा तुम अपनी सहेली से ले कैसे सकती हो? अम्मी मैंने उससे खुद नहीं मांगी थी, उससे मुझे इतने प्यार से पहनाई तो मैंने पहन ली। अब मैं उसको क्या कहती? नहीं भाई, मेरी अम्मी तो बहुत दकियालू सी हैं, पुराने ख्यालात की हैं, तो मैं ये नहीं ले सकती। अम्मी समझा करे ना, बड़े लोगों में ये सब चलता है। बड़े लोगों में चलता होगा, हमारा शुमार बड़े लोगों में नहीं होता। तो मुझे एक बात बताओ, इतना महंगा तोहफा तुमने अपनी सहेली से लिया, कल को तुम्हें देना पड़ा तो इतना महंगा तोहफा दे सकोगी तुम? तुम अपनी हैसियत पहचानो। हैसियत का क्या मतलब है अम्मी? क्या मैं अपनी ख्वाहिशात खत्म कर दूं? क्या मेरा दिल नहीं है? क्या मैं डायमंड की रिंग नहीं पहन सकती? अगर किसी तरह मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है तो आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? प्यार से मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, कल को भी तो सबके सामने ये सब होना ही है, तो आज हो जाए तो क्या बुराई है? इश्क है या दगा है? मेरी ख्वाहिश समझ के पहन लो, बहुत अच्छी लगेगी तुम पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यू डोंट ट्रस्ट मी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा? सुंगली में क्यों पहनाई है उसने? ये तो मुझे बहुत महंगी लग रही है, कल को तुम्हें देना पड़े तो इतना महंगा तोहफा दे सकती हो तुम? अपनी हैसियत को पहचानो लड़की। सबके सामने अंगूठी नहीं पहनाई तो क्या हुआ, मैं इसको अशर की निशानी समझकर तो पहन ही सकती हूँ। कितना हैंडसम लड़का है ना, काश ये हमारी क्लास में होता। ये जिस भी लड़की के नसीब में होगा ना, वो बहुत ही खुशकिस्मत होगी। यही वाला। हाय। अरे अब तुम कल मेरे ना आने की वजह से अभी तक नाराज हो? हाँ तो कहना ही होना चाहिए। पर मैंने इन्फॉर्म तो किया था। लेकिन मुझे फिर भी बुरा लगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे आपका मूड ठीक हो जाए? सुनो, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को ना इतना इंसिस्ट नहीं किया, बट स्टिल आई एम रियली सॉरी, सो प्लीज
ओके, खुश हो जाओ। अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली मैंने तुम्हारी। थैंक यू सो मच यार, अगर तुम आज ये ना करती ना तो मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती कसम से। वेरी फनी। लेकिन तुम्हें आना चाहिए था ना, मुझे तुम अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस भी कराना था। तो बस एक ही बार इनवाइट करना था, दोबारा इनवाइट नहीं करोगी? व्हाई नॉट, तुम जब भी बोलो। वैसे मैं घर जा रही थी, तो हम साथ लंच करें? हाँ जा सकते हैं, वो ईशा भी साथ आ रही है। ईशा? ईशा यहाँ कहाँ से आ गई? वो आज यूनी नहीं आई है, तो तुम और मैं चलते हैं ना लंच करने। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि ईशा तो हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है यार, सर मजीद से ना एक छोटा सा काम था और अगर मैंने आज वो काम ना किया ना तो बहुत काम खराब हो जाएगा। सो लंच पर किसी दिन करते हैं, आई हैव टू गो, सो लेट्स। जी आइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग? ब्यूरो, मुझे इनके अकॉर्डिंगली कुछ दिखाएं, यू नो समथिंग दैट सूट्स हर। श्योर। हाउ अबाउट ये इन पे सूट करेगा, व्हाट डू यू थिंक? पैक कर दो। Sure. Yeah. Please have a seat. बैठो। इस सब की क्या जरूरत है अशर? मैं आपको मना भी कर रही थी, मुझे लगा आप अपने लिए कुछ लेने आए। ईशा एक तो तुम ना बोलती बहुत हो भाई, जो मैं कर रहा हूँ मुझे कर लेने दो, तुम्हारे लिए ये सब करके मुझे अच्छा लगता है। हाँ लेकिन कल रिंग, आज ये ड्रेस, ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है शर। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है, कल को तुम्हारे लिए करना तो है तो आज कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी इन सब चीजों की ना आदत डाल लो। थैंक यू सो मच। प्लीज कम अगेन। व्हाई नॉट। चले क्या हुआ बीबी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, दिल ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, खाली औरत भी डिप्रेशन की मरीजा बन जाती है। बीबी जी आप दम दरूद क्यों नहीं करवाती? सब करवाया। दम दरूद के साथ इलाज भी करवाएं, इलाज से तो बच्चे हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने साल से हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई हूँ? बीबी जी आप साहब जी को क्यों नहीं बोलती कि अपना इलाज करवाएं? पागल हो, मन ना ऐसी बातें करके, जाओ काम करो जाके। क्या बकवास कर रही थी मेरे बारे में? माफ कर दे साहब, मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम कर। रहम करूं मैं तुम पे? तुम यहाँ बैठ के मेरे बारे में घटिया घटिया बातें कर रही हो और मैं रहम करूं तुम पे? अकरम जी सर। जाओ जाके इसे तहखाने में बंद करो और याद रखना आज के बाद ये सूरज की रोशनी ना देख पाए। लेके जाओ। बोलो बढ़िया, लेके जाओ। भाई माफ, आप हमारे भाई माफ है सब, मुझे माफ कर दे सब। चल कह तो बढ़िया। किसकी कॉल है? वो मिनाल की कॉल है। मिनाल की कॉल? अच्छा पिक इट अप। बट लिसन, उसे ये मत बताना कि तुम मेरे साथ हो, यू नो शी इज टू ब्लंट, वो सबके सामने बोल देगी। आई नो, आपने मुझे मना किया है ना, जब तक आप खुद अपने घर वालों से बात नहीं कर लेते
जब तक मैं भी मनार के सामने कुछ शो नहीं करती। स्मार्ट गर्ल। अच्छा अच्छा उठा भी लो, इससे पहले वो फोन बंद कर दे, पूछो तो सही क्या कहना चाह रही है। हेलो, हाय मिनाल। ईशा की बच्ची कहाँ हो तुम? यूनिवर्सिटी नहीं आई हो अभी तक, लेट आओगी क्या? नहीं मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी, तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। रात को पार्टी से तो तुम ठीक गई थी, ज्यादा इशू है क्या? नहीं नहीं ज्यादा इशू नहीं है, वो बस तुम्हें पता है ना थोड़ा थोड़ा वायरल हो रहा है, तो तुम फिक्र नहीं करो, मैंने एंटीबायोटिक खा ली है, मैं तुम्हें कल यूनिवर्सिटी में मिलूंगी, ठीक है? अच्छा तो मुझे आज यूनी में अकेले ही बोर होना पड़ेगा। बोर क्यों, तुम्हारा हीरो है ना, आज तुम उसी के साथ टाइम स्पेंड करना। वैसे अभी मैं उसी के साथ ही थी। फिर तो बोर होना बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा अब तुम साथ अब आते ना बना, जाना है मुझे। हाँ ओके बाय बाय। ये किस लड़के के बारे में बात कर रहे थे तुम दोनों? वो ऐसे ही हमारा क्लास फेलो है ना, तो मैं मिनाल को छेड़ रही थी। क्लास फेलो ही है या कुछ और? मिनाल तो उसको बहुत पसंद करती है, और आई थिंक सो कि इज़मीर भी उसमें इंटरेस्टेड है। इज़मीर, इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ बेटा। ईशा घर पे है? नहीं ईशा तो यूनिवर्सिटी गई है। यूनिवर्सिटी? अच्छा हाँ क्यों, पहुंची नहीं वो? नहीं आंटी एक्चुअली मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं गई ना, तो मैंने सोचा वो भी नहीं गई होगी, इसलिए फिर मैं यहाँ मिलने आ गई उससे। नहीं नहीं वो तो यूनिवर्सिटी गई है, लेकिन तुम धूप में क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना, अभी ईशा भी आ जाएगी, हमारे साथ लंच करके जाना। ठीक है श्योर। लो बेटा पानी पियो, ईशा भी आ गई। जी आंटी वो तो देख ही रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, आओ कमरे में चल के बात करते हैं। ये तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, तुम कहाँ गई थी? मैं यूनिवर्सिटी आ रही थी, लेकिन तुम बैठो ना। आंटी ने कहा है कि तुम यूनिवर्सिटी गई थी लेकिन तुम तो वहाँ नहीं आई। हाँ वो समझा करो ना यार, घर के कुछ इश्यूज थे। क्या इश्यूज थे बताओ जरा मुझे। कुछ ऑफिशियल काम था, भाई है ना उन्होंने बैंक में पैसे भेजे थे, तो बस वही क्लियर करवाने थे, तो मुझे बैंक में इतना टाइम लग गया कि यूनिवर्सिटी ही मिस हो गई। जब मैंने तुम्हें कॉल की तो तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अब मैं तुम्हें क्या बताती, मैं बैंक में थी, मैं वहां ख्वार हो रही थी यार। पता नहीं ईशा पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। नहीं नहीं मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी, और मुझे क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की, तुम्हें तो पता है ना अम्मी का, अगर मैं उनको बता के जाती तो वो यही कहती कि मत जाओ ईशा यूनिवर्सिटी का हर्ज होगा। अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करती। चलो ठीक है तुम कह रही हो तो मान लेते हैं, लेकिन ये जो तुम्हारा लड़खड़ाता लहजा है ना, इससे साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे बताओ कि तुम क्या खाओगी, क्या बल्कि मैं तुम्हारे लिए ना ठंडा ठंडा जूस लेके आती हूँ, बाहर बहुत गर्मी है, मैं भी लेके आती हूँ जूस तुम्हारे लिए। Thank you.
हेलो जी, डॉक्टर सुंदस से अपॉइंटमेंट चाहिए था जी। डॉक्टर ऑल सेट जी? बिल्कुल, आपने कंसीव किया है, आप प्रेग्नेंट हैं। रियली? आपको बहुत एहतियात करनी होगी, आपके पहले भी दो तीन मिसकैरेज हो चुके हैं। जी डॉक्टर, इस दफ़ा मैं बहुत एहतियात करूँगी, क्योंकि इस दफ़ा इस गुड न्यूज़ के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया। बेस्ट ऑफ लक। और ये कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, इसे बाकायदगी से लीजिएगा। जी और अपनी डाइट का खास ख्याल रखिएगा। जी थैंक यू। अम्मी आपकी सारी दवाइयाँ ले ली थी, बस एक रह गई है, वो हम फार्मेसी से ले लेंगे। अरे बेटा मेरी जरा सी तबीयत क्या खराब हुई है, मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले। अम्मी आप इसको जरा सी तबीयत खराब होना कह रही हैं? आपका बीपी शूट कर गया था, जाहिर है इसको हम लाइटली नहीं ले सकते थे, वरना भाई ने मुझे ही डांटना था कि मैं आपका ख्याल नहीं रखती। तुम भाई को बताती हो और उमेर और तुम मिल के ना फिर बात का बतंगड़ बना दे। अच्छा ना अम्मी, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि हमने डॉक्टर को चेक करा लिया, तो हमें तसल्ली हो गई कि जब आप अपनी दवाई टाइम पे लेंगे, शुगर की बीपी की, तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा मेरी जान, अच्छा मेरे बच्चे। हाँ बस दवाई लेनी है, वो नहीं प्लीज तुम भी भूलना। मेरे साथ हैं, आपको पता है मुल्क के हालात क्या हैं आजकल, तो हमारे साथ ईशा। अम्मी ये जलाल भाई हैं, मिनाल के बड़े भाई। आप लोग यहाँ सब खैरियत? जी बस वो अम्मी के चेकअप के लिए आए थे। सब खैरियत है ना? मैं जानता हूँ यहाँ का जो ओनर है सारे डॉक्टर्स को अलाइन कर देगा, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। नहीं जलाल भाई, बस रूटीन चेकअप था, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। चले अल्लाह का शुक्र है। मैं जानता हूँ माजी उमेर यहाँ पे नहीं है, मुल्क से बाहर है, लेकिन आपका ये बेटा यहाँ पे है, जब भी ज़रूरत हो ईशा से कहें कि बस कॉल कर देंगे। बहुत शुक्रिया बेटा। ऑटो निकल। क्या कर रही हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए आप लोग रक्षे पे जाएं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को। और देखें वैसे भी ईशा तो मेरे लिए मनाल जैसी है, जैसे वो है, दोनों बहुत अजीज हैं एक्चुअली मुझे। नहीं लाल भाई थैंक यू, हम चले जाएंगे। अपना भी कहती हो और अगले सेकंड में पराया भी कर देती हो। I'm sure माजी आप इनकार नहीं करें। आइए ना, बातें करते हुए चलेंगे, थोड़ी मेरी जिंदगी में भी तब्दीली आएगी। ठीक है बेटा, चल। आइए। Thank you.
आओ बेटा चाय पी कर जाना। नहीं नहीं माँ जी, फिर कभी, अब तो वैसे भी आना जाना लगा ही रहेगा। मतलब मनाल को पिक एंड ड्रॉप करता हूँ, तो कभी ईशा को भी ड्रॉप करने आ जाऊंगा तो आके चाय पियूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ध्यान से बैठो। ये मिनाल का बड़ा भाई है ना? जी अम्मी, इजलाल भाई मिनाल के बड़े भाई हैं। दो भाई हैं ना ये, दूसरा क्या करता है? अम्मी वो पढ़ाई के सिलसिले में बाहर होते हैं। वैसे मिनाल का ये भाई मुझे ठीक नहीं लगा। अम्मी इजलाल भाई मुझे बिल्कुल मिनाल की तरह ट्रीट करते हैं, और खान साहब भाभी वो तो बहुत स्वीट और केयरिंग है, थोड़ी अफसरदा रहती हैं। क्यों भाई, क्यों रहती है अफसरदा? इतना पैसा है, अच्छा शौहर, अच्छा घर, फिर अफसरदगी का मतलब? अम्मी उनके घर कोई बेबी नहीं है ना, इस वजह से वो थोड़ी उदास रहती हैं। चलो जब अल्लाह की मर्जी होगी वो उसकी सूनी गोद भर देगा। लेकिन ईशा मैं तुमसे फिर भी कहूँगी कि मुझे तुम्हारा इन लोगों के साथ मेल मिलाप ठीक नहीं लग रहा। इतने अमीर लोगों के साथ ताल्लुक मुनासिब नहीं है बेटा। अम्मी आप क्यों बार बार एक ही चीज रिपीट करती रहती हैं? आपने देखा नहीं कि अजलाल भाई ने किस अपनायत से हमें घर ड्रॉप किया था? वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या उनकी वक्त की कोई अहमियत नहीं है? फिर भी हमारे मना करने के बावजूद उन्होंने हमें घर ड्रॉप किया, वरना हम अभी भी ऑटो के धक्के ही खा रहे हो। तो इसमें बुरी बात क्या है? आधी से ज्यादा दुनिया तो रिक्शे में सफर करती है। आधी से ज्यादा दुनिया इसलिए रिक्शे में सफर करती है क्योंकि उनको कोई इजलाल भाई की तरह घर ड्रॉप नहीं करता। खुद को उनकी इनायतों और मेहरबानियों का इतना आदी ना बनाओ कि तुम्हारा अपना वजूद उनके एहसानों तले दब जाए। अम्मी आप क्यों बार बार एक ही चीज रिपीट करके मेरा दिमाग खराब करती हैं? सॉरी सर, आप ठीक मैं गलत। अब प्लीज हम इस बहस को छोड़ दें, मैं आपका खाना गर्म करके लाती हूँ, मिट्टी डालें इस बात पे। अब किसी मरीना की कॉल थी, वॉइस मैसेज भी किया, आपको अपने घर बुला रही हूँ। तुमने ये वॉइस नोट सुन लिया? किसने इजाजत दी थी तुम्हें? कौन है ये मरीना और आपको अपने घर क्यों बुला रही हूँ? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे सवाल करो। शौक है ना जासूसी का, पता लगा लो खुद। पास
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। मेरी गुड़िया का मूड कैसा है? गुड़िया का मूड तो बिल्कुल ठीक है, मगर अम्मी की तबीयत थोड़ी डाउन थी। क्या हुआ अम्मी को? वो भाई, उनका बीपी शूट कर गया था। मैं उनको हॉस्पिटल ले गई थी, अब वो मेडिसिन खा के आराम कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं जानता हूँ कि बात बोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है कि तुम अम्मी का ख्याल रखो। तुम अम्मी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती हो। मैं यहाँ हम लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हूँ। तुम लोगों से बहुत दूर, बहुत फिक्र होती है तुम लोगों की। आप परेशान ना हो भाई, हमें पता है आप हमारे लिए ही परदेश काट रहे हैं। बाबा के जाने के बाद आपने हमारा इतना ख्याल रखा है। मेरी मेडिकल की इतनी महंगी तालीम, घर के अखराजात, आपने कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। आप फिक्र मत किया करें। अच्छा ये बताएं, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी चल रही है, बल्कि बहुत अच्छी चल रही है। जैसे सेमेस्टर ख़त्म होता है इंशाल्लाह वैसे फौरन पाकिस्तान आऊँगा। दिल कर रहा है तुम लोगों से मिलने का। वो तो ठीक है, पर आने से पहले ना आपने मुझे जरूर बताना है। मैंने अपनी फरमाइशों की ना एक लंबी लिस्ट दे दी है आपको। ठीक है, खुदा हाफिज़। जी ठीक है भाई, आई मिस यू, अल्लाह हाफिज़। कहाँ थे तुम? जहां भी था। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना, जो कुत्ते मेरे सामने भौंकते हैं उनकी जबान मैं गुद्दी से खींच लेता हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ तुमको भी और तुम्हारी दादागिरी को भी। जानती हो ना, तो एहतियात करो, ख्याल करो अपना, ख्याल करो। कौन थी वो लड़की? कौन लड़की? वही लड़की और उसकी माँ जिनको तुमने हॉस्पिटल के बाहर से पिक किया। तुम हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रहे हो? इजलाल, मैंने तुमसे कोई सवाल किया है, उसका जवाब दो। कौन थी वो लड़की? तुम्हें क्या मसला है? जो भी थी, तुम्हें क्या तकलीफ है उससे? मुझे क्या तकलीफ है? अशर से मेरी आउटलेट से शॉपिंग करा रहा है, तुम उसे हॉस्पिटल से पिक कर रहे हो, ऐसा क्या है उस लड़की में? जो भी हो, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है इस तरह के सवाल पूछने। तुम कौन होती हो, क्यों पूछ रही हो? इतनी खुश थी मैं, इतनी एक्साइटेड थी कि तुमसे अपनी खुशी शेयर करूं। कैसी खुशी? मेरी सारी खुशी खत्म। कौन सी खुशखबरी आ गई है? I'm pregnant. I told you, Marina. I told you, मैं मुझे बच्चा नहीं चाहिए। इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि इस बार मुझे बेबी चाहिए। तुम तो होते नहीं हो मेरे साथ, मैं पूरा दिन घर में रह के उकता जाती हूँ। इस बार बेबी होगा तो मैं मसरूफ रहूंगी, मेरा दिल लगा रहेगा। हाँ, मुझे नहीं चाहिए। आखिर तुम्हें बेबी से क्या मसला है? हंसा तो तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती, लेकिन मैं तो दे रही हूँ। हंसा से मुकाबला कर रही हो तुम? वाह, हंसा ना एक खानदानी औरत है। मुझ जैसे मर्दों का प्रॉब्लम है, तुम जैसी 100 लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन औलाद सिर्फ खानदानी औरत से चाहिए होती है। मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूं ना इजलाल। बीवी किसने कहा? कोई कहता है? आई मीन, कोई तुम्हें मिसेस इजलाल कह के बुलाता है? हमारा निकाह हुआ है। निकाह? निकाह वो कागज जिसपे
हमारा निकाह हुआ था वो मैंने उसी वक्त फाड़ के फेंक दिया था। कैसे साबित करोगी कि तुम बीवी हो मेरी? मैंने तो आज तक तुम्हें किसी से ये कह के इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया कि मीट माय वाइफ मरीना इजलाल। सबको तो यही पता है कि तुम गर्लफ्रेंड हो मेरी। कीप इन योर माइंड।